मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक छोटे से स्टार्टअप प्लान के बारे में, एक छोटे से बिजनेस आइडिया के बारे में। कोई बिजनेस कोच नहीं हूं या इतना बड़ा मैं बिजनेसमैन भी नहीं हूं कि मैं पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान आपको दे दूंगा। तो दोस्तों, वो बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। आज जो देखा ना, जहाँ पर हम लोग कपड़े वगैरह सिलाते हैं ना, सुई बनती है, निडल बोलते हैं उसको ना इंग्लिश में, उस निडल की कीमत कितनी होती है यार? 50 पैसे, 1 रुपये। लेकिन अगर उस कंपनी के टर्नओवर पे जाओगे ना, उस कंपनी के टर्नओवर करोड़ों से नीचे नहीं होगा। काम कोई सा भी करो, छोटा हो या बड़ा हो ना, उसे ब्रॉड करो, अपने आप अर्निंग रिसोर्स जनरेट होगा। चाहे वो 1-20 पैसे का आप बना रहे हो ना, अगर आपने उस बिजनेस को बढ़ा दिया है तो वो आपका एक इतने ऊपर लेवल तक जाएगा, उसका भी टर्नओवर करोड़ों में होगा। एक जो ठेला लगाता है ना, जैसे लंच टाइम में हम लोग ऑफिस के बाहर खाना वाना खाने जाते हैं, जो ठेला लगाता है बंदा, तो वहाँ पे देखते हो वो बंदा उस ठेले तक सीमित रह जाता है, क्योंकि वो फिजिकली काम करता है ना। उतना ज़्यादा उसके पास माइंड सेट नहीं होता है, क्योंकि अगर उसके पास माइंड सेट हो या वो पढ़ा लिखा होता तो शायद वो ठेला नहीं लगाता, किसी ऑर्गेनाइजेशन में बैठ कर जॉब कर रहा होता, राइट? तो क्या है, उसके पास वो माइंड सेट नहीं होता है। अपन लोग क्या हैं, फिजिकली तो कर ही सकते हैं पर माइंड सेट भी है। एंड दोस्तों, आई एम श्योर कि अगर आप एक ग्रेजुएट हो और घर से बाहर रह रहे हो किसी हाईटेक सिटी में, और दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, कोई सी भी सिटी हो, अगर आप हाईटेक सिटी में रह रहे हो, तो आप 100% सोचते हो कि मैं अमीर कैसे बनूं, कि मेरे पास पैसा कैसे आए। जब देख दो ना अपने साइड से निकलते हुए ऑडी, BMW, फॉर्चुनर, रेंज रोवर, मतलब ये गाड़ियाँ देख दो ना, तो आपका तो पता नहीं, बट मुझे ज़रूर लगता है ये पता नहीं मेरे पास ये गाड़ी कब होगी, है ना। तो ये एक सपने होते हैं, जो कि मतलब बोलते हैं ना खुली आँखों से देखना, तो एक सपने होते हैं। जब तक वो चीज़ नहीं देखोगे ना, जब तक माइंड में नहीं आएगा, तब तक वो काम करोगे नहीं, है ना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, माइंड में नहीं आएगा, तब तक आपकी उंगली लाइक पे नहीं जाएगी। आई नो दैट आपका आप इसको सब्सक्राइब नहीं करोगे। ये एक चीज़ है ना, जब तक वो चीज़ माइंड में नहीं आती है, तब तक आप उसको फिजिकली करते नहीं हो। अब फोकस करते हैं, सीधे अपने पॉइंट पे आते हैं। मैंने जो शूज़ का बिजनेस है ना, अगर आप दिल्ली के आसपास एरिया से हो, या दिल्ली में रहते हो, गुड़गांव, हरियाणा, या आसपास कहीं भी रहते हो, तो शूज़ का बिजनेस एक मस्त बिजनेस हो सकता है। मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग 9,000 रुपये से होती है। 9,000 में पूरा एक बंडल आता है, वो आपको घर तक डिलीवर करवाते हैं, ठीक है। और आप घर की मार्केट देखो, अगर आप एक गांव में रहते हो तो वहाँ देखो कोई भी शूज़ 400, 500 या 600 रुपये से वो कम नहीं देते हैं, जबकि वही शूज़ अगर आप जाओगे ना दिल्ली की मार्केट, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मैं गया हूँ वहाँ पे, एक बार नहीं 4-5 बार मैं प्रैक्टिकली ये चीज़ बता रहा हूँ आपको, टेस्ट में वहाँ पे गया हूँ, 180 से स्टार्टिंग है, 190, 250, और जो 250 या 200 का शूज़ है ना, वो गाँव में 400 का, 500 का बिकता है। मैंने खुद गया और मैंने मतलब मार्केट ऑब्जर्व किया, एक्चुअली मैंने आसपास की 15-20 किलोमीटर मार्केट कानपुर की ऑब्जर्व की है, कहीं भी ऐसा नहीं मिला है जहाँ पे मुझे कोई ये बोलते नहीं यार ये शूज़ 300 का है या 250 का है। होते हैं 300 वाले, लेकिन उनकी क्वालिटी बिल्कुल नहीं होती। लेकिन जो यहाँ पे 200 है, वो आपको 300 रुपये में, 400 रुपये, आप 400 रुपये में वो बेचते हैं ना, आप 300 रुपये में उसे बेचो, ठीक है, आपने उसको 300 रुपये में सेल किया। अब ज़रा ये सोचो, क्या पूरी आपकी मार्केट में एक दिन में 10 पीस नहीं बेचते होंगे? 400 में 10 पीस लोग खरीदते होंगे, राइट? जबकि एकदम मिनिमम मैं बता रहा हूँ कि 10 पीस खरीदते होंगे लोग पूरी मार्केट में। अब वो 400 वाली चीज़ आप 300 में दोगे तो 10 कस्टमर तो आ जाएंगे ना, क्योंकि वही चीज़ सेम चीज़ 100 रुपये बचा के दे रहे हो उनको। और गाँव साइड सबसे ज़्यादा वैल्यू करता है उनके लिए पैसे, अगर 10 रुपये चीज़ है ना, तो 10 कदम दूर दुकान है, 20 कदम दूर दुकान है ना, तो वहाँ जाके ले लेंगे, लेकिन पास जाके नहीं लेंगे। ये थोड़ा सिटी में हो जाता है कि यार टाइम कम है, चल 10 रुपये ज़्यादा सही, लेकिन गांव में हम 20 कदम चल के ले लेंगे, लेकिन हमें 10 रुपये कम में चाहिए। तो 10 शूज आपने बेच दिए, राइट, 1,000 रुपये हो गया, महीने का 30,000 रुपये हो गया, राइट, 30,000 रुपये हो गया, कहाँ का कम है? क्योंकि दोस्त, आज जो नाइकी के शूज़ पहनते हो ना, उस बंदे ने अपनी कार की डिग्गी में शूज़ बेचना शुरू किया था, और आज नाइकी का ब्रांड पता है ना,
उसका टर्नओवर पता है, एक ब्रांड है अपने में, नाइकी अपने में ब्रांड है उस बन। तो मेरे दोस्त, शुरुआत होनी चाहिए, स्टार्टअप होनी चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि नहीं मैं जॉब करता हूँ, मैं जॉब कैसे छोड़ के चला जाऊँगा, पता चले बिजनेस चले ना चले, आप किसी बंदे को हायर करो। गांव में बंदे आराम से मिल जाते हैं 10-12-15 में। अरे 50 कर लो यार, पैसे आप लगा रहे हो, उसे एग्रीमेंट पे साइन कराओ कि माल जब भी कभी छोड़ते हो तो माल पूरा सेल हो जाए, उसके बाद आप छोड़ सकते हो। अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि कोई बीच में छोड़ ना दे, तो वो चीज़ें एग्रीमेंट हर जगह चलता है। आप कंपनी में हो तब भी एक एग्रीमेंट ही है लगभग वो, तो वो चीज़ें हैं। और अगर 30,000 भी सेल करता है ना, मैंने 20,000 मारिए, 10,000 पूरा निकाल दिया यार, पूरा निकाल दिया 20,000, ठीक है, उसी में रूम रेंट वगैरह ये सब निकाल दो, 15,000 बचा है ना, एक सिर्फ शॉप का, राइट। 5,000 रुपये आप रखो, 10,000 उसे दे दो, ठीक है। अब 10 ऐसी मान लो जो शॉप ओपन करवा दो आप आसपास के एरिया में, 15-20-25 किलोमीटर में, एक से 5,000 है, 10,000 50,000 हो गया ना। अब जॉब भी कर रहे हो, वहाँ भी कर रहे हो, दोनों काम हैंडल कर रहे हो, वो चलो 2-4-5 हज़ार रुपये और ज़्यादा भी कमा लेता है, 2-4-5 हज़ार रुपये ज़्यादा भी कमा लेता है, तो 30,000 अगर मान लो, 30,000 में अगर 2-4 वर्ष, अगर 15 तो 12 मान लो उसका, अगर 2,000 रुपये वो नहीं बताता आपको कि ज़्यादा कभी का, 3,000 ना, तो यार 30,000 रुपये बैठे बैठे बिजनेस स्टार्टअप अगर आप चाहो तो कर सकते हो। इसी में और भी हैं, आपके पास अगर थोड़ा सा और ज़्यादा बजट है तो आप क्लॉथ्स वगैरह में जा सकते हो। थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, या किसी और बिजनेस के बारे में बात करेंगे इस पर। अगर आप कुछ ऐसी चीज़ों में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बस यार दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद, जय भारत।